रात को प्रवाण, ये 10 प्रकार के जो परिग्रह हैं, तो इस प्रकार से जो है मुनिराज में जो है 10 प्रकार के परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरिम परिग्रह से रहित रहते हैं और मतलब बाहर से भी त्याग करते हैं और अंतरिम से भी त्याग कर देते हैं। और शावक जो है उनको जो है यथावत उनके जो है अनावश्यक वस्तु न रख के जो जितनी वस्तु रखता है उसका प्रमाण बना लेता है। क्या कर लेता है? प्रमाण बना लेता है। और प्रमाण बनाने से जो है परिग्रह परमाणु वृद्धि हो जाता है और उससे भी जो है आपसे दुर्गति से वह बच जाता है। तो इसलिए बोले मतलब अच्छा है, सबसे अच्छा है कि आप पूर्ण रूप से जो है अपने 10 प्रकार के परिग्रह और 14 प्रकार के अंतरिम परिग्रह से हम त्याग करें। और पूर्ण रूप से अगर जो इस्लाम लोग नहीं कर पाते हैं तो उन्हें उसकी सीमा बना लेना, और सीमा बनाने से जो क्या हो जाते हैं वो उसमें जो है उसके पाप से बच जाते हैं। तो इसलिए कैसे बोल रहे हैं, पाप से, आसक्ति से, लोभ से, इच्छा से, आशा से, और ये सब चीज़ें उनके उन सबसे जो है बच जाते हैं, उन सबसे पाप से बच जाते हैं। मान लीजिए देखिए मतलब कोई भी कोई बात है कि हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, मान लीजिए हम जो है भारत से बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन भारत से बाहर जाने का नियम नियम नहीं है तो आप जो है आपको दोष लग रहा है। और जब हम नियम ले लेते हैं कि बाहर से बाहर नहीं आएंगे तो फिर उसमें और अतिचार हम जो है हम उसको बचाने के लिए बोले ना हम वहाँ जाएंगे ना वहाँ किसी को भेजेंगे और ना कोई गया तो उससे वहाँ से कोई वस्तु मंगाएंगे। तो ये भी जो है बहुत उत्कृष्ट जो है हो पाता है हमका उत्कृष्ट हो। अच्छी बात ना हो तो कम से इतना तो करें कि हम वहाँ हम स्वयं नहीं जाएंगे तो उससे भी हम बहुत बच जाएंगे। मान लीजिए हम जो है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हम जो यूज नहीं करते लेकिन हम उसका नियम नहीं लेते, नियम नहीं लेते हैं तो उसका हमारे लिए दोष लगता है। मान लीजिए हम जो है कितनी जोड़ी कपड़े पहनते हैं, बस ग्रस्त लोग हैं मतलब एक जोड़ी दो जोड़ी तीन जोड़ी चार जोड़ी आदि कितनी जोड़ी पहनेगा, लेकिन जो उसका नियम नहीं है तो पूरे कपड़ा जितने बन रहे हैं सब तो हाँ नियम नहीं होने भाई हम आप जो है नियम ले लो 10 जोड़ी का, 5 जोड़ी का, 25 जोड़ी का, 50 जोड़ी का, 100 जोड़ी का ले लो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाहर जो है हम जो सबका हमारा त्याग। तो पूरे विश्व में पूरे जो कंट्री में जो है क्या हो रहा है, पूरी कंट्री में जो जो है कपड़ा आदि बन रहा है उस दोष से हम बच जाएं, क्योंकि मेरा सीमित है केवल 100 और 100 से ज़्यादा ही रखेंगे। अब हमें ये नहीं है कि हम नया नहीं ले सकते हैं, आपको यदि नया लेना है तो एक लेना है दो लेना जो भी लेना उसको पहले पुराने को छोड़ दीजिए आप, और पुराने को छोड़ दीजिए आप नया रखिए कोई दिक्कत नहीं, तो आपको जो है 100 का ही वो प्रमाण रहेगा, आपको किसी प्रकार का दोष लगने वाला नहीं है इस पर। और मैं तो देखो चलिए हम इसको छोड़िए आप कितनी रख लो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम जब आप एक जो कपड़े पहने हैं भी आप कपड़े आभूषण आदि पहने हैं वो जब तक वो पहने हैं तब तक अन्य सबका त्याग तो अब उसका त्याग अन्य सबका त्याग, अब इसमें हमें किसी प्रकार दोष नहीं लग रहा है और कोई दिक्कत भी नहीं, जो अपने सौका दिया वो भी त्याग होगा। हाँ, केवल जो हमारे केवल इतना जो है जो हमारे पास पहने हैं बोले इसका त्याग इसका छोड़कर सबका त्याग। और ऐसा त्याग करने में क्या होता है, हो सकता है आपकी आयु का जो है निशीब छीण हो जाए और उसी समय आपकी मृत्यु हो जाए तो आपके त्याग में मृत्यु होगी। बोले जैन धर्म ऐसा महान त्याग है, फ्री फंड में आपके लिए पुण्य का जन्म हो जाता है, आपको विशेष लाभ हो जाता है। बोले हमारे लिए कहते हैं उपवास करो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं भैया आपने एक आसन कर लो वो भी नहीं कर पाते हैं, दो टेम कर लो वो भी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम रात का तेज भोजन का तो त्याग कर दो, रात में तो ना खाएं। बोले इतना भी नहीं चल पाता है तो एक समय सीमा बना लो कि हम इतनी तक कर पाए, और इतना भी नहीं कर पाए तो कम से कम इतना तो नियम ले लो कि जब हम सोने के बाद नहीं खाएंगे, सोने के बाद नहीं खाएंगे तो भी आप जो है क्या हो जाएंगे, आप जो है बच जाएंगे बहुत सारे पाप से जो है बच जाएंगे, और फ्री फंड में आपको जो है पुण्य का अर्जन हो जाता है। तो इसलिए हमारे यहाँ बोल रहे हैं कि हमारे आचार भवन कैसे होना चाहिए, तो बोले उनके लिए कहा जो उत्तम कुल देश वाले हों, उत्तम कुल वाले हों, उत्तम जाति से शुद्ध हों, सौम्य मूर्ति हों और अंतरंग और परिग्रह अंतरंग बहिरंग परिग्रह से रहते हैं और आकाश के समान निर्लेप। बोले आकाश जो है क्या होता है, निर्लेप होता है। बोले आकाश में जो है बोले बाष्प के माध्यम से जो है पानी आता है,
उस पानी को पकड़ के नहीं रखता है, वो क्या करता है आता है और वैसे उसको जो है छोड़ देता है। अन्यथा क्या होता है, दुनिया के लोग ऐसे हैं कि जो क्या करते हैं, वस्तु अगर प्राप्त हो जाए तो फिर उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते, जकड़ लेते हैं, संचय करते हैं, जकड़ लेते हैं और आ जाए और आ जाए और आ जाए और जाए, ऐसा जो है वह क्या करते हैं, वह करते हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि भाई यूज करो और यूज इन थ्रो बोलते हैं, जैसे कई कई बार बोलते हैं विदेशों लोगों की जो है, या जो नेता अभिनेता आदि लोग होते हैं, बहुत से लोग उनकी नीति अच्छी लगती है देखा जाए, वो क्या कहते हैं यूज इन थ्रो, विदेश आदि में जो लोग कपड़े आदि जो है बार बार भी पहनते हैं, या हीरो हीरो आदि होते हैं वो क्या करते हैं, एक बार कपड़ा पहना उसको हटा दिया यूज इन थ्रो, और वही कपड़ा यहाँ बाजार में आ जाता है खरीदते हैं और जब वही नीला भी हो जाए।